हाय एवरीवन, विवेक गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आप देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हम लोग बात करेंगे उसके साइलेंट फीचर्स की, ठीक है ना। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो ये चार है। कितने हैं? चार। नंबर वन कि इंग्लैंड इज अ व्हाट? इंग्लैंड इज अ इपिक सेंटर। पहली बात, इंग्लैंड इज अ व्हाट? इपिक सेंटर। एंड सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट व्हाट? रिवोल्यूशन विद इन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन and within what? Revolution. And third point is what? Textile sector. ठीक है ना? What third point of is what? Textile sector. And fourth point is change in agricultural pattern. ठीक है ना? Agricultural pattern. तो these are the silent features of the industrial revolution. सबसे पहला silent feature क्या है? कि England epic center है किसका? Industrial revolution का। फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि व्हाट इज रिवोल्यूशन विद इन रिवोल्यूशन, फिर इफेक्ट ऑन टेक्सटाइल सेक्टर, एंड लास्ट चेंज इन एग्रीकल्चरल पैटर्न। मैंने पहले वीडियो में बताया ना कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहला रीजन, एंड देन साइलेंट फीचर, देन इवोल्यूशन, एंड लास्ट कंट्रीज। तो कंट्रीज तो आपको पहले से पता चल गई। अब हम किस पे आ गए? सेकेंड पॉइंट पे। किस पे? साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो वही ब्रिटेन बिकम द इपिक सेंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिटेन है वो इपिक सेंटर क्यों है, ठीक है ना। जब भी हम बात करेंगे कि ब्रिटेन जो है वो इपिक सेंटर क्यों बना, किसका? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। तो ध्यान से देखो किस वजह से ये इपिक सेंटर क्यों बना। अब जैसे कहने का मेरा मतलब एकदम सिंपल सा है कि अगर मैं बात करूं उस समय की जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। अब याद करो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब कि व्हाट? 1750। तो अगर मैं बात करूं क्यों इपिक सेंटर इंग्लैंड ही क्यों बना है, ठीक है, स्पेन भी था, पुर्तगाल भी था और इंग्लैंड भी था, तो इंग्लैंड ही क्यों इपिक सेंटर बना, क्यों नहीं स्पेन और पुर्तगाल बना? रीजन एक ही है, स्पेन एंड पुर्तगाल मतलब इंडिया। फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग यहाँ ज्यादा थे, फ्यूडल मेंटेलिटी वाले, पैसा आया मुजरा देखने लगे, लग्जरी, पैसा आया और लग्जरी में उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के पास जो पैसा आया, जो भी वेल्थ आई, समझ में आई कि नहीं आया, उसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस वजह से जो ब्रिटेन है वो बना क्या बोलते हैं, किसका? एपिक सेंटर। किसका? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। देखो सिंपल सा है, हम जो साइलेंट फीचर है उसमें चार पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है? वही इंग्लैंड बिकम द इपिक सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि इंग्लैंड ही इपिक सेंटर क्यों बना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो स्पेन भी था, पुर्तगाल भी था, वो भी बन सकता था, लेकिन स्पेन पुर्तगाल के पास जो भी पैसा आया, क्योंकि इन्होंने भी बहुत डिस्कवरी की थी, लेकिन इनके पास जो पैसा आया वो फ्यूडल मेंटेलिटी में इन्होंने लग्जरी में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के पास जो पैसा आया उसको उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया तो वो सक्सेसफुल हुआ। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो 18th सेंचुरी था, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जितनी बातें बोल रहा हूँ उसको पॉज करके आप उसका नोट्स बनाओ, ठीक है ना, और उससे बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपको ऐसे लिखना है उसमें भी काम देगा, और प्लस बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें तो काम देगा ही देगा। तो सबसे पहली बात तो कि अगर हम ये बात करते हैं कि 18th जो सेंचुरी है, उस 18th सेंचुरी में क्या बोलते हैं, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बिगिनिंग होता है, तो उसमें ब्रिटेन में क्या रहता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनका बहुत दबदबा रहता है, ठीक है ना, बहुत डोमिनेंसी ना कैपिटलिस्ट क्लास का ब्रिटेन में बहुत डोमिनेंसी रहता है। कब? 18th सेंचुरी में। रीजन, और इसका रीजन एक ही है, इसका जो रीजन है वो एक ही है, क्योंकि जो 13th सेंचुरी था, इस 13th सेंचुरी में हुआ क्या बेसिकली कि किंग जॉन, ठीक है ना, किंग जॉन जो था, राजा जो था, इस सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहा था। तो इस समय क्या हुआ था कि इसको वहां के इंग्लैंड के जो बिग फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत पैसा दिया, ठीक है ना, और जब इसको फाइनेंशियली हेल्प दी तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला कि तब जो है राजा को रिटर्न में क्या करना पड़ा कि 18th सेंचुरी के टाइम में ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट क्लास का दबदबा था। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 13th सेंचुरी में जो किंग जॉन है
वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहा था, तो जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो सामंत थे, उन्होंने इसको पैसा दिया, तो राजा को रिटर्न में क्या करना पड़ा कि राजा को रिटर्न में क्या करना पड़ा कि ये बोलना पड़ा कि आप जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में हमारे पार्टनर बन जाइए। और इसी को बोला गया 1215 का मैग्ना कार्टा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्ना कार्टा, है ना, मतलब बर्थ ऑफ पार्लियामेंट। जो आप पार्लियामेंट आज देखते हैं ना, कहानी ऐसे है, जो आप पार्लियामेंट देखते हैं कहानी ऐसे है, ठीक है ना, कि इन 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड है वहां के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कैपिटलिस्टों का दबदबा है। रीजन क्या है, क्योंकि 13th सेंचुरी में जो किंग जॉन है वो, उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा लेता है किससे, फ्यूडल लॉर्ड से। जब फ्यूडल लॉर्ड से वो पैसा लेता है तो फ्यूडल लॉर्ड को उसको रिटर्न में ये बोलना पड़ता है कि भाई हाँ चलो आप भी हमारे पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करोगे। और यहीं से बर्थ ऑफ पार्लियामेंट। और आफ्टर ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 के 1688 में जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन होती है उसने क्या किया था, एंड ऑफ मोनार्की, ब्रिटेन में मोनार्की को खत्म किया था। ग्लोरियस रिवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, मोनार्की को खत्म करके पार्लियामेंट को इंग्लैंड में सुप्रीम किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि एंड ऑफ मोनार्की एंड स्टार्टिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसी से हुआ 1788 में। पार्लियामेंट कब बनी, 1215 में, क्यों बनी, देख रहे हो ना रीजन, किंग जॉन सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हेल्प बाय फ्यूडल लॉर्ड्स। पैसा किसने दिया, फ्यूडल लॉर्ड्स ने, तो इन रिटर्न किंग जॉन मेक हिम पार्टनर, उनको पार्टनर बना लिया, किसमें, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।